किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ सुभाष गौड़ा। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के चमोली जनपद के बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ सुभाष गौड़। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के चमोली जनपद के बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर। इस सीट पर कितना काम हुआ कितना नहीं, इस पर हम चर्चा करने पहुंचे। उससे पहले आपको बता दें कि इस सीट पर जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं, महेंद्र भट्ट। उन्होंने इन 4.5 सालों में कितना काम किया और कितना नहीं, इसकी समीक्षा करने हम आज यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपके साथ परिचय करा दें। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से हैं दिवंगर सिंह जी, दिवंगर सिंह जी। इसके साथ ही अगर बात करें बीजेपी से हैं नवल भट्ट जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही कांग्रेस से हैं उषा रावत जी और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ कुलदीप सिंह नेगी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही आम जनता भी हमारे साथ मौजूद है जो बताएगी कि कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले सत्ता दल से बात कर लेते हैं कि कितना विकास कार्य उन्होंने किया। सर, कितना विकास कार्य आपने इस सीट पर किया इन 4.5 सालों में? देखिए, विकास कार्य की जहाँ तक बात है तो पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में आज विकास माननीय मोदी जी के जो संकल्पों पे काम हो रहा है वो सारा हो रहा है। और जैसे इस विधानसभा की बात करें तो आज जो डुमक्कल रोड में आज तक रोड नहीं गई थी, वहाँ रोड की कटिंग हो रही है। आज से पहले कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक जो मंत्री भी रहे हैं वो लोग केवल झांसा देकर लोगों को, बहुत सी ऐसी हमारी रोडें थी जो रोडें पूरी नहीं हुई थी वो रोडें वहां पर आई हैं। अभी गोपेश्वर जिला चिकित्सालय की बात करें, आप यहीं पर अवेलेबल हैं, आप यहां पहुंचे हुए हैं तो आप देखिएगा जिला चिकित्सालय में आज ऑपरेशन होते हैं, ऊटी में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आज ऑपरेशन डॉक्टर पुनीठा यहां पर कर रहे हैं। तो ये हमारी उपलब्धियां जो हमने स्वास्थ्य में करी हैं, शिक्षा में करी हैं, आदर्श विद्यालय खोले हैं, आदर्श विद्यालय पूरे विधानसभा के अंदर भी हमने आदर्श विद्यालय खोलने का काम किया है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का काम किया है। और मैं आज भी कहता हूं कि आज से पहले जैसे राजेंद्र भंडारी जिनको, जो यहाँ से इससे पहले विधायक थे, पहले मंत्री रहे हैं, बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने करी हैं, वो घोषणाएं आज तक भी पूरी नहीं हुई हैं। और ये केवल अपने विकास कार्य गिनाए पहले, नहीं नहीं, हम अपने बता रहे हैं कि भाई आज जिस रोड से आप आए हैं, जिस एनएच से आप आए हैं, वो एनएच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। जिस आप गांव में आप जा रहे हो, जिस गांव में आप अपनी बात को कर रहे हो, जिस गांव में आप रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी, उस गांव में आज आप जाएंगे तो वहां रोड गई है। चाहे वो कांग्रेस के नेता जाएं, चाहे वो यूकेटी के नेता जाएं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता जाएं, वो उसी रोड से जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने रोड बनाई है। आज जिला चिकित्सालय में डॉक्टर अवेलेबल है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए या कोई भी सामान्य जनमानस जाए तो वो आज देख रहा है कि आज जो ऑपरेशन दर्दन में होते थे वो आज गोपी शर्मा हो रहे हैं। तो ये हमारी, हमारे काम करने की क्षमता है। कोविड काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और जितना भी लोगों को सहयोग करने का काम, संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखें या आप पार्टी के दृष्टिकोण से देखें, वो आप हमने किया है। आप उषा पर बेहतर काम किया है ऐसा आपका कहना है। मैम, आपने सुना कि उन्होंने बताया कि बेहतर काम उन्होंने 4.5 सालों में किया और आपकी सरकार ने कोई भी काम यहाँ नहीं किया, सहमत है उनकी बातों से? बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ, जहाँ आज बोल रहे हैं कि यहाँ चिकित्सालय में ऑपरेशन हो रहे हैं, थोड़ी बहुत जो स्वास्थ्य सेवाएं थी थोड़ी बहुत बीच में पटरी में आई थी, लेकिन आप देख रहे होंगे आज आजकल ही इन्होंने हमारे, मतलब जो यहाँ पे डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे, 11 स्पेशलिस्ट यहाँ से उनके ट्रांसफर कर दिए गए। और जिस अवस्था में पहले की तरह एक रेफर सेंटर मात्र बना हुआ था, उसी स्थिति में आज हमारा चमोली जिला रेफर सेंटर बना हुआ है। दूसरी बात कह दूं, जहां तक विकास वाली बात है, सड़क वाली बात है, आप देख लो कि जो ये सड़क है इसका आंकड़ा निकाले आप, इनका जियो देखा आप, ये अभी की नई बनी हुई सड़क है या कांग्रेस के कार्यकाल की बनी हुई सड़क है? आपके कार्यकाल की घोषणाओं को ही पूरा कर रहे हैं और अपना नाम दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट है, अभी भी हम लोग यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं से दूर है, जो स्वास्थ्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो यहाँ पे बेस हॉस्पिटल की घोषणा की गई थी क्योंकि जो हमारे चमोली जिले के लिए बहुत अति आवश्यक है। यहाँ के सुदूरवर्ती और एक सीमांत जनपद हमारा है और यहाँ पे एकमात्र सिर्फ रेफर सेंटर बना हुआ है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो भी अगर थोड़ी सी
किसी का पेट दर्द होता है तो हमको देहरादून जाना पड़ता है। इसके भुक्तभोगी मैं खुद अपने स्वयं अपने परिवार से बोलती हूँ, मेरी सास को अगर मतलब बीच में खांसी वांसी हुई थी और उनके एक मतलब छोटी सी खांसी के लिए भी हमको उनका इलाज देहरादून करना पड़ा, तो देहरादून करना पड़ा। विकास आपको नजर नहीं आ रहा, नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, सर आप देखते हैं कितना विकास हुआ और क्योंकि आप भी अब मैदान में उतर रहे हैं तो आप लोग कितना विकास करेंगे? देखिए हम सबसे पहले बताने आपको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम राजनीति को बदलने आए हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड बने हुए 20 वर्ष हो चुके हैं और 10-10 वर्ष कांग्रेस और बीजेपी द्वारा यहाँ पे सत्ता का सुख भोगा गया है, आज भी आप देख सकते हैं। अगर आप आज की परिस्थितियां देखें, दो विधायक आपको पोखरी ब्लॉक से दिए जाते हैं। आज आप जाइए अपने न्यूज चैनल को दिखाइए, वहां पे जो जिला पंचायत के द्वारा जो रास्ते के गेट बनाए हैं उस पे टाइल्स लगाने से क्या विकास हुआ है? बीजेपी कहती है कि हमने गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमियों को पूरा किया है, तो आप बताइए कि 2 महीने पहले आप कहते हैं डॉक्टर आ चुके हैं, आज आपके 11 डॉक्टर ट्रांसफर हो चुके हैं। आज भी बद्रीनाथ विधानसभा की स्थिति वही है जो उत्तराखंड बने उत्तर प्रदेश में थे। आम आदमी पार्टी ने अभी अपनी 2 कैंपेन चलाई, बिजली फ्री गारंटी योजना और अभी रोजगार गारंटी चला रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, हम एक गारंटी दे रहे हैं आपको कि हम गारंटी देंगे कि आपके हमारे सत्ता में आते ही आपको रोजगार दिया जाएगा। कही बात हमारे ऊपर कांग्रेस और बीजेपी द्वारा बोला जा रहा है कि फ्री बिजली है, फ्री आप रोजगार आप कैसे देंगे? हम कह रहे हैं हम अगर भ्रष्टाचार मिटाएंगे तो हम ये ईमानदारी से आपको 5,000 भी देंगे, आपको जॉब भी देंगे। अब आप बताइए उन इस जो गेट आपके द्वारा गांव में बनाए गए हैं जो भ्रष्टाचार है, आप जाइए गांव में जाइए, आज भी एक जिला पंचायत का मेंबर आपको अगर 1-1.5 लाख रुपए का कहीं पे प्रतीक्षालय बनाया जाता है गांव के किसी कार्यकर्ता को देके, वो केवल 60,000 में बनाया जाता है, वो 1 साल के अंदर टूट के खत्म हो जाता है। तो अगर आप ये विकास कहते हैं, अभी आपके हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि हमने इतनी सड़कें बनाई, अब मैं आपको बताना चाहता हूं वर्तमान में बीजेपी के जिला अध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष आपके गजेंद्र राव और रघुवीर बिष्ट ब्यारा या निजमुल्ला घाटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके यहाँ देखिए आप ब्यारा सड़क मार की, उसको हम लोगों ने आम आदमी पार्टी ने उठाया था। आप कहती है हमारे हमारे सामने हमारी बहन बैठी है, इनका क्षेत्र इनका क्षेत्र जिला पंचायत पड़ता है आपका फरसवाण फाट, आप वहां पूछिए उनको कि आपके यहाँ रोड की हालत क्या है। तो आप दोनों 20 वर्षों से आप अगर राज कर रही हैं तो आप बताइए कि आपने क्या विकास किया, हमसे ना पूछिए, आपसे सवाल पूछा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं जिला पंचायत सदस्य बनी थी तो उस रोड की स्थिति बहुत खराब थी। जैसे मैं जब जिला पंचायत सदस्य बनी मैंने उस रोड सड़क के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और उस सड़क की जो वहाँ पे अतिरिक्त कार्य था उसको पूरा करवाया और आज उस रोड पे बहुत अच्छी पेंटिंग हो रही है। वो सड़क कांग्रेस के कार्यकाल में कट चुकी थी लेकिन पेंटिंग अब हो रही है, वो तो सतत पर अभी हो रही है। उत्तराखंड क्रांति दल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर आपने सुना तीनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल क्या सोचता है कैसे विकास करेगा? आप लोग तो सरकार बनाने में असफल रहे हैं अभी तक। देखिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि गोपीनाथ की भूमि में यूकेडी को जो आज आपने जो लोगो लगा रखा अपना उसमें देख रहा हूँ मैं कांग्रेस और भाजपा और आम आदमी पार्टी का लोगो लगा है और उत्तराखंड क्रांति दल जिसने संघर्ष करके खून की होली खेल करके तमाम जेल तमाम आंदोलन करके ये राज्य प्राप्त करा है और उसका आपने उसमें लोगों ने लगाया है, हमारा जो फोटो है वो लगा रखा है, तो ये मैं बड़ा आपसे बिल्कुल दुखी उस चीज़ में। चलो एनीवेज जो भी है बाकी सभी उपस्थित हमारे अपने भाई बंधु हैं, हमारे मित्र वर हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, पार्टी बेस अलग चीज़ है, राज्य उत्तराखंड क्रांति दल ने बनाया है और आज भी भू कानून जैसे ज्वलंत मुद्दे और बेरोजगारी ज्वलंत मुद्दे और स्कूल जो आज मतलब कहीं ना कहीं जो कहूँगा मैं कि जो सरकारी स्कूल है वो ड्रॉप हो चुके हैं और प्राइवेट जो चल रहे हैं तो तमाम आग लगी है। विकास के नाम पे क्या है, केवल लॉलीपॉप है। और आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध कर रहे हैं हम, जब से हमने अपने पार्टी में कदम रखा है तब से हम विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल आग लगी है और ये आग तब बुझेगी जिस दिन उत्तराखंड का अंदर सत्ता में जाएगी
और एक एक गरीब के घर में दीपक जलाएगी और इन्हें इनका हक देगी, चाहे वो मूल निवास है, चाहे भू कानून है, चाहे गैरसैंण राजधानी है, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है और चाहे तमाम विकास की बातें हैं। आपकी सरकार आएगी तो आप लोग काम करेंगे। इसके साथ ही आम जनता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आपका किसी राजनीतिक दल से कोई सवाल? मेरा भाजपा से एक सवाल है। इस बद्रीनाथ विधानसभा का जो सबसे दूरस्थ गांव पाणा ईरानी है, जहां से भाजपा के जिलाध्यक्ष जी भी बिलोंग करते हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक के जो अध्यक्ष है वो भी, लेकिन वहां तक आज तक सड़क नहीं पहुंच पाई। इन 5 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार, जो डबल इंजन की सरकार, जो लोगों ने विश्वास से 57 सीट यहाँ से पूरा जिताकर भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया, लेकिन आज तक उस दूरस्थ क्षेत्र में सड़क नहीं पहुंची है, वहां आज स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। मेरा आपका सवाल है, भाजपा से सवाल था सर, जवाब मांग रहे हैं। देखिए, वो रोड की कटिंग प्रारंभ है, रोड का कटिंग का काम चल रहा है और वहां पर जल्दी से जल्दी काम पूरा हो जाएगा। एक ड्यूरेशन होता है, बहुत सारी फाइलें होती हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला होता है, वो सारी चीजें निपट गई हैं और उसमें काम हो रहा है। और दूसरा भी सही, अभी हमारी उसरावत बहन जी ने एक बात बोली कि भाई गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में डॉक्टर का ट्रांसफर हुआ है। मैं आज भी इस बात को कह रहा हूँ, आप वो दौर निकाल दीजिए जब राजन भंडारी जी आपके यहाँ विधायक थे, मंत्री थे, कितने डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है, डॉक्यूमेंटेड है मामला, ऐसा नहीं मैं फर्जी बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेड है चीज कि कितने डॉक्टर थे। 60 डॉक्टर का स्टाफ गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में था और उन 60 डॉक्टर के स्टाफ के बाद आज अगर 12 लोगों का ट्रांसफर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो 12 डॉक्टर अवेलेबल थे तब ट्रांसफर हुआ है। पर जब आपके पास कुछ था ही नहीं, ना ट्रांसफर करने के लिए था, ना काम करने के लिए था, और मैं आज भी इस बात को बोल रहा हूँ। अब जैसा अभी इन्होंने कहा कि भाई राजन भंडारी जी ने बेस्ट चिकित्सालय का जियो पास किया, मैं अभी कह रहा हूँ आपको, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर आए हैं, jio.gov.uk.in है, उसमें से वो जियो आप निकाल के दिखा, मेरे को कागज नहीं दिखाना है, मैंने कागज नहीं देखे हैं, मैं jio.gov.in, मैं एक बात कह रहा हूँ, jio.gov.in वो मुख्यमंत्री जी की घोषणा में और इसकी स्वीकृति हो चुकी, इसमें जो बीतिया स्वीकृति है वो बीतिया स्वीकृति भी मिल चुकी है। jio.gov.in में ही होते हैं पूरे उत्तराखंड के जियो, उसमें आप वो जियो उस साइट से निकाल के मुझको दिखा दीजिए, जितने भी कांग्रेस शिकार करते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूंगा। नहीं, आप ये बताए, चलो ठीक है, जियो ये नहीं, इसमें मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, हम चाहते थे कि नहीं, हमारे भी यही उम्मीद थी कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी और हमें यहाँ पे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और हमारी बहुत उम्मीद भी थी कि हमको यहाँ पे बेस्ट हॉस्पिटल मिलता, लेकिन दुर्भाग्य हमें कि हमको बेस्ट हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं मिल पाया। बेस्ट हॉस्पिटल कहाँ चला गया? देखिए इन्होंने घोषणा करी थी, ये देखिए चुनावी घोषणा होती है, ये हमारे जो ये नेताजी हैं, इन नेताजी का ये काम है, आज से नहीं, हम पिछले बहुत टाइम से देख रहे हैं, इन नेताजी केवल चुनावी घोषणा करते हैं। और मैं आज आपको बधाई दे रहा हूँ कि गोपेश्वर जिला चिकित्सालय को 100 बेड अतिरिक्त का अस्पताल करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, और ये घोषणा नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा ये काम। ये देखिए, मैं आज भी इस बात को बोल रहा हूँ, ये इम्प्लीमेंटेशन पे काम हो रहा है और हम बहुत कुछ नया करने वाले हैं इस गोपेश्वर जिला। आप नया करने वाले हैं, और भी कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 20 सालों में आपने 11 मुख्यमंत्री दिए हुए हैं, तो ये 11 मुख्यमंत्री क्रिकेट टीम बनाना चाह रहे थे या फुटबॉल टीम बनाना चाह रहे थे उत्तराखंड के नाम पे, आप कौन सी टीम बनाना चाह रहे थे कि आप 11 मुख्यमंत्री दिए? इसका सवाल अगर बीजेपी कांग्रेस किसी के पास भी है तो आप मुझे दीजिए। क्षेत्र से सवाल है, बोलते हो कि आप दोनों ने विकास करा, आप बोल रहे जिला अस्पताल नहीं, 2000 के बाद तो नहीं बना, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिला अस्पताल नहीं बना हुआ है, वो 1964 से जिला अस्पताल यहाँ था और बीजेपी की सरकार हमेशा रही है और कांग्रेस सरकार हमेशा रही है। तो आप दोनों ये बताइए कि 20 के 10-10 साल दोनों ही विधायकों के पास रहे, आपने अब जाके क्यों, जब तीसरा दल उत्तराखंड में आया तब जाके आपने क्यों सोचा कि जिला अस्पताल अच्छा होना चाहिए, अस्पताल की सुविधा सुधरनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा सुधरनी चाहिए? आप दोनों ही पार्टियों से सवाल है, पहले आपसे जवाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर स्टाफ आया है। अब जैसे आप स्टाफ के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की है, जिनका ट्रांसफर दूसरे डॉक्टर यहाँ पर आएंगे और भी डॉक्टर अभी यहाँ पर एज इंटेंसिव अपनी एमएस की के लिए गए हैं, एमडी की पढ़ाई के लिए गए हैं, वो डॉक्टर्स का भी कुछ एक डॉक्टर हमें पता कर रहा था, दस एक डॉक्टर है। सर, मैं बोल दूं तो वो 10 एक डॉक्टर है, वो 10 एक डॉक्टर जल्दी आने वाले हैं। सवाल आपके इससे पहले भी कांग्रेस से पोखरी ब्लॉक से थे और वर्तमान में बीजेपी के विधायक भी पोखरी ब्लॉक, क्या पोखरी ब्लॉक में आज भी रेडियोलॉजिस्ट आपने तैनात किया है? क्या वहां पे आज भी अल्ट्रासाउंड की मशीन चालू है?
आप ये बताने का कष्ट कर, आप बताने का कष्ट कर। बताइए कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में कितने सीएससी में, कितने बीएससी में, कितने अल्ट्रासाउंड अवेलेबल हैं? अरे मैं भी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली में क्या नहीं हो रहा? दिल्ली में 18 रुपए की पर्ची में आपका इलाज फ्री हो सकता है। महिलाओं के लिए वहाँ पे फ्री बस सेवा कर दी गई है। आप अपने विधानसभा की बात करते हो। सर क्षेत्रीय बात नहीं, मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली के मॉडल के नाम पे आप पूरे उत्तराखंड में घूमने का काम कर सकते हो और दिल्ली के मॉडल में बात नहीं कर सकते हम। और हम आज बताएंगे आपको ये आपने पोखरी में किया या नहीं किया, रेडियोलॉजिस्ट है या नहीं है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन है। आपके दोनों पार्टियों के आपके विधायक और मंत्री उस क्षेत्र से रहे हैं। आप बताइए। लेकिन सर, लेकिन व्यवस्थाएं तो पूरी करनी पड़ेंगी साहब। व्यवस्थाएं पूरी है, मैं आज भी इस बात को कह रहा हूँ कि आप उत्तराखंड की स्थिति को देखते हुए आज आपको आप इस बात को हम भी दरकिनार नहीं करते हैं कि उत्तराखंड पहाड़ की तरफ डॉक्टर चढ़ने में असमर्थता व्यक्त करता है। लेकिन आपके पास तो ट्रिपल इंजन है सर, उसके बावजूद भी पहाड़ नहीं चढ़ा पा रहे हैं। किया ना हमने, आज कह रहा हूँ ना मैं, हमने किया है। आज से अभी ये कह रहे ना 12 रुपए ट्रांसफर हुए हैं, तभी तो वेदर थे, जब होते नहीं तो ट्रांसफर कैसे होते। और दूसरी बात, और वो कांग्रेस उनके बदले आ रहे हैं मैडम, आ रहे हैं, 3 दिन हो रहे हैं ट्रांसफर हुए, 3 दिन हो रहे हैं। ये तो चुनावी घोषणा है, ये खाली कुछ होने वाला नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि चुनावी घोषणा है, लेना चाहिए पद लेना चाहिए नहीं, 3 दिन बाद क्या मतलब है आपका? अगर कोई आज सीरियस मरीज आता है, कोई अगर ऑपरेशन करवाने आता तो आपका क्या है? 3 दिन तक वो मरर हॉस्पिटल में मरता रहे, आप इसका जवाब दीजिए। अरे आप ऐसी बात करो, ट्रांसफर व्यवस्थाएं होनी बहुत जरूरी है। ट्रांसफर से पहले डॉक्टर का आना भी जरूरी है, तभी ट्रांसफर किए जाते हैं। किसी जिला अधिकारी के यदि ट्रांसफर होता है तो नया जिला अधिकारी उस जिले में आता है। आपको डॉक्टर पहुंचाने की जरूरत थी यहाँ, 3 डॉक्टर्स का ट्रांसफर भी हुआ है और औरों की कार्रवाई जारी है। मैं कब तक पहुंचेंगे? जल्दी आएंगे। कितने दिनों में? विद इन 1 मंथ आएंगे। एक महीने तक जनता इंतजार करे? देखिए ऐसा है, प्रोसेस मेकिंग पे जा रहे हैं हम, प्रोसेस मेकिंग जा रहे हैं। सर माफ कीजिए, लेकिन अस्पताल और डॉक्टर एक बहुत इमरजेंसी केस है, उसमें 1 महीने का देरी, ये कोई ना कहीं सवाल घेरे में आते हैं। आप लोग आपको कहीं ना कहीं डॉक्टरों को पहुंचाना बहुत जरूरी था पहाड़ तक। मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं कि इससे हमारी सरकार में ही डॉक्टर पहाड़ में पहुंचा है, यहां पर आज ऑपरेशन हो रहे हैं, स्पेशलिस्ट सर्जन यहां पर आए हैं, तो भाजपा की सरकार में ही आए हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये बीजेपी की सरकार में ही संभव है, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं, ये केवल बतौलेबाजी करने वालों में से नहीं है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, अब कुछ थोड़ा सा हो सकता है कहीं पर कमी रही होगी, जब कमी रही तो हमने भी अपने मंत्री से बात करी है, हमारे अध्यक्ष जी ने बात करी है, हमारे विधायक जी ने बात करी है, और उसको जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। आप जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। आप कुछ कह रहे थे सर? अच्छा, मेरा देखे कहने का तात्पर्य कि जो किस्सा कुर्सी का है, और आज सत्ता में जो लड़ाई चल रही है सत्ता में कुर्सी पाने की, और उत्तराखंड की हम बात करेंगे, हम केंद्र दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, तो उत्तराखंड जो राज्य बना हुआ है आज, तमाम जो उत्तराखंड वासी हैं वो तो दुखी हैं ही। व्यापारी कैसे जी रहा है इसकी कोई वार्तालाप नहीं कर रहा है। स्कूल में बच्चों ने, मतलब उसके जो अभिभावक हैं, उन्होंने फीस किस प्रकार दी है उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर पुनेटा अब आ रखे हैं जब चुनाव नजदीक आ गए हैं, इससे पहले डॉक्टर पुनेटा नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कल ही मेरे मित्र जोशमठ से आते हैं, और वो भी भूतपूर्व वाला इंस्पेक्टर है, मुझे अवगत कराते हैं कि देखिए अध्यक्ष जी ऐसा ऐसा हो जाता है, और मेरी बेटी डिलीवरी की है और मुझे कॉन्ट्रैक्ट रेफर करा जाता है। तो मैंने कहा अब आप अवगत करा रहे हैं जब आपका बालिका कॉन्ट्रैक्ट रेफर हो गई है। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तराखंड में, ये केवल सत्ता के लालची है, सत्ता पानी है, और उत्तराखंड की जनता किस प्रकार खून का रो रही है इनको ये नहीं दिखता है, केवल कुर्सी की लालची है ये। सर कुर्सी के लालची है ऐसा उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है? देखिए ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो नेता है वो किसी कुर्सी के लालची नहीं। मैं आज भी इस बात को बोलता हूँ, क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं, और क्षेत्र के विकास के लिए जो काम करता है उसको बहुत ज्यादा कुर्सी से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। और हम आज भी मैं आज आपको कह रहा हूँ कि भाई जैसे कि हमारे रोडों पर हमने काम किया है, एजुकेशन पर हमने काम किया है, स्वास्थ्य पर हम काम कर रहे हैं। और आप देखिए कोविड काल के दौरान गोपेश्वर का एक अस्पताल ऐसा था जिसमें कि सारी फैसिलिटेट थे। मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, अभी जो मैं क्षेत्र भ्रमण में जाता हूँ, प्लीज 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 मैं क्षेत्र भ्रमण पे जाता हूँ, तो जोशीमठ में लांजी पोखनी है,
जोशीमठ में लालजी पोखनी है, ब्लॉक जोशीमठ में वहाँ योड़ा है, पोखनी है, लालजी है, द्यूड़ है, तपोड़ है, तो वहाँ पे सड़क की समस्या के लिए बोलूंगा मैं कि वहाँ के लोग जूते बरसा रहे हैं। आज भी जवाब जवाब नहीं, वहाँ के लोग कैसे आएंगे? जो कितना कितना समय हो गया बात कर रहे हैं ये 21 वर्ष हो गया, एक मेरा रह गया, एक अक्टूबर चला, नौ नवंबर को हमारा राज्य मिला था, 21 साल पूरे होने जा रहे हैं, उस समय का युवा आज 21 साल का हो गया है, तो कहाँ है सड़क? सर, सर आपने कहा हर घर तक सड़क पहुंचाएंगे, 21 साल बाद भी सड़क नहीं पहुंच पाई है, विंग टू सड़क जा रही है भाई, आप बोलना कटिंग में है नहीं है, कटिंग में है नहीं है, अरे भाई साहब कटिंग में, मैं ये कह रहा कटिंग में है कि नहीं है, कटिंग में है कि नहीं है, प्रोसेस, अरे मैं उसको शायद पता नहीं है, आप कुछ कह रहे हैं, सड़क मार्ग जाता है वो पाखी से होके जाता है, और आज कटिंग कहाँ हो रही है आप बताइए, चलिए मेरे साथ कटिंग दिखा लीजिए, आप मेरे को कटिंग दिखा लीजिए, दिखा लीजिए मेरे को, और सबसे बड़ी बात, एक मिनट सबसे बड़ी बात, आपके विधायक जी मेरे व्यक्तिगत मेरे गांव में आए थे, मठ जड़े था मैं, वहां पे भूस्खलन से आज पूरा गांव क्षतिग्रस्त होने को है, मैंने अपने घर की चौक में उनको बोला था, मैंने कहा इसके लिए आप तुरंत कार्रवाई कीजिए, उन्होंने कहा मैं 10 लाख देता हूँ, पिछली बार बरसात हो चुकी, ये बरसात जा चुका, गाँव में केवल 10 मीटर अब गाँव खतरे की जड़ में आ चुका, आपके विधायक ने आज तक वहाँ 10 लाख क्यों नहीं दिए? सर ये इनके सवाल का जरा जवाब देखिए, क्या वो माननीय विधायक जी ने ये आपको बोला होगा, मुझे इसके इस संदर्भ में जानकारी नहीं, पहली बात तो ये है, दूसरा ये है अगर भूस्खलन की जद में है तो आपदा के न्यूनीकरण के बजट के तहत उस पे काम हो सकता था, आपने उसमें कुछ प्रोसेस किया कि नहीं किया, या आपने उस संदर्भ में कोई पत्र दिया कि नहीं दिया? अब देखिए भाई साहब, आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है, प्रोसेस मैं कह रहा हूँ प्रोसेस, सर थोड़ा जनता से पूछ लेते हैं, आपका कोई सवाल? भारतीय जनता पार्टी के वालों से क्वेश्चन है, ये शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिला चिकित्सालय में 11 ये कहते हैं हमने 27 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हमने यहाँ पे नियुक्ति दी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं हमने यहाँ पे सर्जन की नियुक्ति, सर्जन बिना एनेस्थीसिया वाले के कैसे ऑपरेशन कर देगा, उसका यहाँ से स्थानांतरण हो चुका है, 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन का यहाँ से स्थानांतरण हो चुका है, गायनोलॉजिस्ट का यहाँ से स्थानांतरण हो चुका है, आई सर्जन का यहाँ से स्थानांतरण हो चुका है, और ये जिला चिकित्सालय मात्र रेफर सेंटर बन चुका है, ये कहते हैं हमने यहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति की, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ आप बताइए कहाँ पे आपने डॉक्टर, और आपने अगर यहाँ से डॉक्टरों को रिलीफ किया तो उनके पहले रिलीफ तब करते, पहले उनका अटेंडेंट यहाँ पे आया क्या? सर ऑपरेशन कब होगा? बिल्कुल सही सवाल पूछा उन्होंने, इसका जवाब तो देना बनता है। जवाब दे रहा हूँ, ऐसा है ये कांग्रेस पार्टी के युवा नेता है, और मैं इनको आम जनता भी है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये जो ये सवाल कर रहे हैं, मैंने अभी 20 से पहले इसका बोला है कि भैया हम इसके रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सर आप एक महीने का समय बता रहे हैं, आप एक दिन कहते हैं, 2 दिन कहते हैं, एक सप्ताह कहते हैं, समझ में आता? आप अभी अभी डॉक्टर के ट्रांसफर हुए हैं, रिलीव भी अभी कुछ लोग हुए हैं, कुछ लोग नहीं हुए हैं, और अब हम उस पर काम कर रहे हैं, हमने मंत्री जी से इस बारे में बात करी है, विधायक जी बात कर रहे हैं, विधायक जी से मेरे संदर्भ हमारे संदर्भ में बात हुई है। अच्छा सर ये चीज जानना चाह रहे हैं हम कि इस अस्पताल में टोटल कितने डॉक्टरों की जरूरत है आपके हिसाब से? अराउंड 45 जो यहाँ पर स्टाफ है, 45 डॉक्टर्स जो 45 डॉक्टरों की जरूरत है, अभी वर्तमान में कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर? इसमें होंगे एग्जैक्टली 12 जाने के बाद मेरे हिसाब से 18 डॉक्टर अभी अवेलेबल होंगे, 45 में से केवल 18 डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 7 थे। मैडम ये तो कह रहे हैं आपकी सरकार में केवल 7 डॉक्टर थे 45 में से? ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने बीच में कुछ डॉक्टर आए थे, कुछ डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग की और कुछ डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग नहीं की, जो 2-4 डॉक्टर यहाँ पे थे उनका भी इन्होंने तुरंत ट्रांसफर कर दिया, उनके बदले कोई डॉक्टर नहीं आए। जहाँ तक मैं कहूँ स्वास्थ्य की बात कहूँ, कोरोना काल में इन लोगों ने बोला था हम यहाँ पे आपको सीटी स्कैन देंगे और एक महीने के अंतर्गत हम यहाँ पे सीटी स्कैन देंगे, अगर हम यहाँ पे सीटी स्कैन नहीं देंगे तो हमारा आप नाम बदल देना, लेकिन मैं कहती हूँ कोरोना काल के 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी यहाँ पे सीटी स्कैन नहीं आ पाए हैं। गोपी शर्मा, 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, सिटी स्कैन मशीन, सिटी स्कैन घोषणा में है, घोषणा मुख्यमंत्री घोषणा में है और वो काम हो रहा है, सिटी स्कैन अभी घोषणाओं में है। और कोई अन्य व्यक्ति कोई बोलना चाहेगा? सर आपका कोई सवाल? देखिए अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो प्रश्न चिन्ह स्वास्थ्य पे खड़ा किया है, निश्चित तौर पर उनकी चिंता भी वाजिब है, लेकिन मैं बताना देना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है बहुत अपेक्षाकृत गुणात्मक सुधार हुआ है। तो किसकी सरकार खराब है? देखिए मैं खराब किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन हमने क्या बेहतर काम किया, मैं हमारी अपनी सरकार की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक महेंद्र भट्टी है उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास करके आज हमारे पास जो बेहतर सर्जन उत्तराखंड का है, यहाँ पर सिटी स्कैन के 5 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, तत्काल उस पर काम शुरू हो जाएगा, मशीन यहाँ पे आ जाएगी, ऑक्सीजन प्लांट, जिस ऑक्सीजन प्लांट के लिए हमने देहरादून ऑक्सीजन के लिए
जाना पड़ता है, वो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ अवेलेबल जिला अस्पताल में है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी, अच्छा काम और बेहतर हॉस्पिटल अच्छा काम होगा। सर और कोई आपका कोई सवाल? सर को जो ना मीन आदमी है, मैं गांव सभा बछेर से बोल रहा हूँ कि जो पैसा आ रहा है गांव के अंदर, उसका क्या सरकार उसको फील्ड में देख रही है? जो काम हो रहा है उसकी उस पर नजर है? सभा के अंतर्गत कोई पैसा आ रहा है उसको आपका अधिकारी कर्मचारी देख रहा है? कैसा हो रहा फील्ड में काम? अच्छा धरातल पर कितना बेहतर काम हो रहा है, ये उनका सवाल है। सर आपका कोई सवाल? मेरा भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल है, मेरा भाजपा मेरा भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल है कि आप कहते हैं कि हमने आज सर्जन लाए, ये सर्जन लाना आपकी उपलब्धि नहीं है, ये इस टाइम का जो कोविड प्लान है, इस ये कोविड, आप पहले बात सुनिए, आप बात सुनना सीखिए, आप किसी को भी देशद्रोही और किसी को भी तमका नहीं देंगे। आप मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल बताइए। मेरा यह कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार, आज जो राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को समझ में आया है कि स्वास्थ्य पॉलिसी भी कुछ होनी चाहिए, वो आज इनको समझ में आया है कोरोना काल के चक्कर में कि डॉक्टर अवेलेबल होने चाहिए। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ऐसा लोगों का कहना है, आपके तमाम जो साथी हैं उनका भी कहना है, 45 में से केवल 18 डॉक्टर यहाँ वर्तमान में मौजूद है, ये स्थिति साफ करती है। लेकिन एक बड़ी चीज ये भी है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ा विरोध आपकी सरकार के खिलाफ यहाँ के तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए तीर्थ पुरोहितों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की वार्ता हुई है, उत्तरकाशी से कुछ लोग गए थे, केदारनाथ से कुछ लोग गए थे, उन्होंने अपनी बात कही है, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको आश्वस्त किया है कि आपकी बात को दरकिनार नहीं किया जाएगा। हाँ है विरोध है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, वो मांग कर रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड भंग किया जाए, आपकी सरकार करेगी? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम वार्ता इस विषय में वार्ता करेंगे और सामूहिक पक्ष में वार्ता करेंगे, वार्ता करने के बाद निर्णय निकलेगा, उस पर काम करेंगे, वार्ता के बाद काम होगा। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका कहने का मकसद ये है कि एक रुपए का डॉलर आप देख रहे हैं, इसमें हेड भी और ट्रेल भी है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों उत्तराखंड के लिए नेले पे देले हैं, और जनता के सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो देवस्थानम बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, 10 दिन पूर्व मैं बद्रीनाथ होकर आ रहा हूं, 2 अक्टूबर की बात है, तो ई पास पे किस प्रकार टूरिस्ट नया जो वापस ऋषिकेश से वापस आ रहा है, व्यापारी बिल्कुल दारू पी करके बैठा है, शराब पी करके बैठा है, और उसका जो रोजगार है वो उससे छीन दिया गया है। दारू कहां से पी रहे हैं? सुन लीजिए आप बात, तमाम जो आपको पता है कि क्या नहीं हो रहा है, तमाम जो आपकी अवगत नहीं है क्या? तो जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो व्यापारी अपने रोजगार के बैठा ले, 2 साल से जो कोविड काल चल रहा था, लोग कितने, जनता कितनी दुखी है, उसने ई पास में जो ऋषिकेश से जो टूरिस्ट आ रहा था वापस भेज दिया जा रहा था, हमने वहां पे धरना, यात्री बहुत परेशान है, यात्री बहुत परेशान है। सर आपका भी देवस्थानम बोर्ड पे कोई सवाल? देवस्थानम बोर्ड पे आपने देवस्थानम बोर्ड बनाया, उसमें कल के दिन क्या होगा? जो प्रशासनिक अमला है, जो IAS लॉबी है, वो मंदिर का पूरा रख रखाव करेगी, तो यानी कि जो आपने स्थानीय लोगों के हक हकूक हैं उनको खत्म कर दिया है। कहीं मंदिरों में देखिए आप, भीतर बड़ुआ होता है, लक्ष्मी पूजन का अलग हो, वो सारे स्थानीय लोगों को हक हकूक दिया गया है, जो हमारी बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का जो अधिनियम है। देवस्थानम बोर्ड में आपके द्वारा क्या किया, सारी IAS लॉबी, आपका प्रशासनिक अमला आएगा, प्रशासनिक अमला आके आपको क्या करेगा? मंदिर जो आपके यहाँ DM कार्यालय, आप विरोध करते हैं देवस्थानम बोर्ड का? विरोध करते हैं, हम खुले तौर पे विरोध करते हैं, स्थानीय लोगों का हक हकूक न मारा जाए और देवस्थानम बोर्ड इनको विधेयक लाके उसको तुरंत भंग करना चाहिए, भंग करना चाहिए। आप कुछ कह रही हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी देवस्थानम बोर्ड जो बना है वो हमारे जो तीर्थ पुरोहित थे उनके हक हुकूम जो थे वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए। आपने देखा होगा बीच में कि जो हमारे तीर्थ पुरोहित थे वो बद्रीनाथ में जा करके किस ढंग से पूजा पाठ करते थे, अनुष्ठान करते थे, नंगे पैर रहते थे, नहाते धोते थे, और सुबह जो माता मूर्ति की पूजा होती थी या अन्य जो भी वहाँ पे पूजा पाठ होते थे, आपने देखा होगा, हमें तो देख करके बहुत दुख हुआ जब से वहाँ पे प्रशासन हावी हुआ है, और बीच में जब माता मूर्ति की डोली जा रही थी तो वहाँ पर प्रशासन के दो कोई अधिकारी थे और वो जूते पहन के उस माता मूर्ति को ले जा रहे थे। मुझे तो दुख इस बात का कि हम हिंदू कह रहे, लेकिन आज देखो ना हिंदू ही कितने खतरे में, हम जातिवाद को छोड़कर हम मतलब सबको सम्मान देते हैं, और जो मतलब हिंदू की बात करते आज तुमने हिंदू को ही खतरे में रख दिया, ये बहुत ही हिंदू खतरे में है देवस्थानम बोर्ड को लेके, दोनों ही तीनों ही पार्टियों ने आप पर आरोप लगाया। एक तो बहन जी ने कहा कि जो हिंदू की बात करते हैं, हम हिंदू की नहीं, हम सबकी बात करते हैं,
और जो आप लोग इस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये हिंदू हिंदू होने का प्रोपेगेंडा, जो आप अपने वोटर्स को रिझाने का काम करते हैं, रिझाने का काम यहाँ ना करें, पहली बात। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो देवस्थान बोर्ड में जो बात कर रहे हैं, मैं आज आपको स्पष्ट बोला है कि आपने भी देखा होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने देखिए रूल्स, देखिए कुछ नीतियां बनती है, उनको बनाने की जरूरत ही क्यों थी पहली बताइए आप। नीतियां बनती हैं, बनने के बाद उसमें परिवर्तन भी किया जाता है, बनने के बैक भी किया जा सकता है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बारे में बात बोला है। ये सवाल मुकेश अंबानी मुंबई का रहने वाला एक रईस घराने का आदमी देवस्थानम बोर्ड में मेंबर क्यों बनाया गया आपके द्वारा फिर? सर जवाब देखिए, ऐसा है कि इस बद्रीनाथ धाम में केवल मेरी आस्था नहीं है, पूरे भारत वर्ष के करोड़ों लोगों की आस्था है। सबकी आस्था तो उन तीर्थ पुरोहितों की आस्था का क्या? उनकी और उनकी भी आस्था है, उनकी आस्था का सम्मान है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे वार्ता करके उनका सम्मान कर रहे हैं। अब देखिए, आप बेतुके आरोप लगाओगे तो उसके जवाब हम देंगे नहीं, क्योंकि आप बेतुके आरोप लगाने के लिए यहाँ आए हो, क्योंकि आपका आपका आपके बेतुके आरोप हैं और उस बेतुके आरोपों का जवाब देने के लिए मैं प्रतिबद्ध नहीं हूँ। चलिए जनता से ले लेते हैं, फिर आते हैं सर आपके पास। सर आपका किसी राजनीतिक दल से कोई सवाल? मेरा दोनों पार्टियों से सवाल है, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों से। ठीक है, हमारे राज्य को बने हुए 21 साल हो गए, हमारे राज्य के सब विकास की बात करें, पर युवाओं को रोजगार कौन देगा इस विकास में? पहले रोजगार दो फिर विकास होगा, अगर रोजगार नहीं देंगे तो विकास होगा ही नहीं इस उत्तराखंड का। रोजगार रोजगार सर, रोजगार चाहिए युवाओं को। देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियुक्तियां निकली हैं, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भी भरे हैं समूह के। आचार संहिता आने तक उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा। देखिए जवाब जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरे पास जवाब दे दो। अब जब फॉर्म भरे हैं तो एग्जाम भी होगा, चिंता न करें आप। और देखिए एग्जाम भी होगा, लोग नौकरी पे भी लगेंगे। और देखिए आपको आपको ये पता है, स्टेट स्टेट के अंदर जिस तरीके का स्टेट का अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के आधार पर रोजगार की व्यवस्था होगी। रोजगार नहीं दे सके, 3 महीने कौन सा रोजगार मिल जाएगा? देखिए पांच साल आप भी रहे हैं और आपने कुछ नहीं किया है, ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। हम सत्ता में हैं और हम सत्ता में हैं, हमने किया है, हम कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं। अभी कह रहा हूँ विज्ञप्ति है, फॉर्म भरिए, आज भी कह रहा हूँ। चलिए ये कह रहे हैं विज्ञप्ति है, फॉर्म भरिए। आपसे भी यही सवाल था कि आपकी भी सरकार रही। सर आप कुछ कह रहे थे? हम ये बता रहे हैं, आप कह रहे हो रोजगार पे हमने बात की या हम आज रोजगार दे रहे हैं, हम कह रहे हैं आज आप विज्ञप्ति खोल रहे हैं, नवंबर दिसंबर में आपका आचार संहिता लग जाएगी। इससे पहले भी आपने एक बार फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्तियां फॉर्म निकलवाए और नियुक्तियां रद्द हुई, उससे पहले भी आपने फॉर्म निकलवाए नियुक्तियां रद्द की, तो ऐसा कब तक चलता रहेगा आपके यहाँ? आप एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि रोजगार पे आपने इन 10 सालों में क्या किया। इन 10 सालों में क्या किया? सर आपको सवाल पूछ रहे थे। जनता पार्टी का जो युवाओं को बेरोजगार आज युवा बैठा है ना, तो ये रोजगार नहीं दे सकते हैं। इन्होंने प्रत्येक 15 किलोमीटर पर शराब के ठेके खोले हुए हैं, नौकरी के ठेके नहीं खोले हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो आज बनना ना पन्ना प्रमुख फलाना समूह, तो ये उनकी जो वोट बैंकिंग की जो कूटनीति राजनीति चल रही है, ये अपनी सरकार में सत्ता पाना है, मतलब कुर्सी पानी है, कुर्सी पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बाकी ये बेरोजगार युवा बैठे, इनको रोजगार देना इनका मकसद नहीं है। मैं बता रहा हूँ सर, आरोप बहुत ज्यादा, आरोप होंगे सत्ता पक्ष के लोग, हमें आरोप ही हम पर होंगे। सर जवाब जवाब सरकार ने 143 को और 154 दो डाल करके उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। और दूसरे पुष्करधामी जी आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो कमेटी बना रहे हैं, और कमेटी बना करके तुम देश के जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं उनको बोलते हैं तुम क्या अध्यक्ष बनेंगे तुम, तो ये कहां करने आया भाई? ये उत्तराखंड इनके लिए मांगा गया है क्या? ये उत्तराखंड के गरीबों के लिए मांगा गया है, ये यहाँ के देवतुल्य लोगों के लिए मांगा गया है। अभी देवस्थान की बात करो तुम, किस कौन होते हैं कमेटी वाले? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी पहले आए हैं कि बद्रीनाथ पहले आया है? तो मोदी जी आप सावधान रहे, अगर बद्री ने श्राप दे दिया ना तो मोदी का नाम निशान मिट जाएगा, ये बता रहा हूँ आपको, तो ये बात आप ध्यान रखें। रोजगार नहीं सकते हैं, बद्री 20 साल पहले है। इनकी जानकारी के लिए इनको ये पता नहीं चार धाम कहाँ कहाँ है, रामेश्वरम चार धाम है, बद्रीनाथ चार धाम में आता है, इनको गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार चार धाम नजर आ रहे हैं,
तो इनको इनकी जानकारी कुछ नहीं है। जो मर्जी आ रही, कोई भूखा उन पर बात कर दे रहा है, कोई उसको तोड़ दे रहा है, कोई उसको कमेटी बना रहा है, कोई देवस्थान बोर्ड की कर रहा है। अरे हमारे ब्राह्मण हमारे उत्तराखंड के देवतुल्य लोग हैं, इनका सम्मान करना सीखे आप। हमारा तमाम यहाँ का जो भी देवतुल्य उत्तराखंड राज्य का निवासी है वो यहाँ के हकों को उतारिया हो, और इसके हकों अगर तुम छेड़ने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारी आंख निकाल के खा जाएंगे। देखिए जहाँ तक ये रोजगार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन का आवंटन हुआ है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन का आवंटन हुआ है, बिना ब्याज के सब्सिडी के लोन का आवंटन हुआ है। अब जो करना चाहता है वो अपना रोजगार प्रारंभ कर सकता है, और जो केवल बैठ के मजे लेना चाहता है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और जहां तक नौकरी खोलने की बात करिए, नौकरी खुली भी है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि भैया देवस्थान बोर्ड स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, कमीशन खाने के लिए बैठा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चमोली जो हमारा जिला मुख्यालय का अस्पताल है वहां पे जो डॉक्टर बैठे हैं, वो डॉक्टरों का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास चश्मदीद गवाह है जो 6 बजे बाद या 4 बजे बाद मिलने की बात करते हैं। इस पे तो जवाब बनता है आपका। देखिए मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो इसके देखिए भाई साहब हमारे संज्ञान में ये मसला नहीं है, अगर ऐसा है तो इस बारे में बात की जाएगी, मैं बात करूंगा। नहीं आपका होगा, मैं अगर मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं बात करूंगा। कह रहे हैं बात करेंगे, आम आदमी पार्टी का बीजेपी से सवाल। हर घर हर नल योजना में आपने 130 करोड़ रुपया खर्च किया है, क्या उन घरों पे आज पानी पहुंच रहा है? आपने नल तो लगा दिए लेकिन जो मूल स्रोत हैं उन पे कोई काम नहीं किया गया। आप पूरे कहां पे हुआ है आप बताइए मेरे को। आप जहां आपने पूरा कर दिया 130 करोड़ रुपया खर्च करके हर घर हर नल योजना में कितने घरों को पानी दिया आप बताइए। कितने घरों को पानी दिया सर? नल तो लगा दिया, पानी नहीं है। मैं बोलना चाहती हूँ, आप ये बताओ पहली मूलभूत सुविधा मतलब इनको पहली स्रोत से पानी लाना चाहिए, पहले घर में नल लगाना चाहिए, पहली मूल स्रोत में जहाँ पानी है टैंक बनाना चाहिए तब जाके नल लगाने चाहिए। इन्होंने नल तो लगा दिए लेकिन स्रोत पे पानी नहीं है सर, पानी नहीं है, केवल नल लगा के छोड़ दिए। अभी मैं थोड़ा देखिए आप सुन लेंगे भाई साहब, अब आपने बोल दिया, आपने भी बोल दिया, सुनेंगे सर। जवाब मांग रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, पर सुनना पड़ेगा ना। ऐसा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, चमोली जिला इस योजना के तहत, बात तो सुन लो, इस सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और इस योजना के तहत, अरे भाई साहब एक बार बात, इतने नदियां आती है ना, इतना पानी आता है, यहाँ मोदी जी को ना फ्री में नल और फ्री में जल की बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ बात कीजिए रोजगार की बात कीजिए। नल लग गया लेकिन पानी तो आया नहीं, स्कूल की बात कीजिए, यहाँ कोई नल नल सब, मैं बता रहा हूँ, मैं क्षेत्रों में भ्रमण मारता हूँ तो लोगों ने जो फ्री वाला नल है ना उसको 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 वो कर रखा है, क्या रुमाल टांगने का काम कर रखा है, इस प्रकार यूज कर रखा है तो तमाम सर पानी। अरे जवाब तो सुन लो भाई साहब आप, अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं ना बोल रहा हूँ, मैं बात तो सुन लो, मैं आप मानते हैं कि पानी नहीं आ रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। देखिए इसमें दो फेस है, एक फेस में पहले जो इंटरनल गांवों के नल लग रहे हैं वो फेस है, और सेकंड फेस में स्रोत से जुड़ने का है, ये एक सरकार की पॉलिसी है और इस पॉलिसी के साथ दूसरे फेस में काम होना है। अब आप आज से जबरदस्ती करना शुरू करेंगे तो ये पहला फेस का काम पूरा हो गया, अगर नहीं हुआ है तो आप बोलिए। अब आप बोले नल लग गए ना पानी भी आएगा, अरे भैया पहले ऐसी पॉलिसी क्यों बनती है जो जनता के हित में नहीं, किसको पूछ के बनाएंगे पॉलिसी? पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत सारे लोग बैठते हैं, सब कैबिनेट बैठती है, उन लोगों को पता है। नहीं उन लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलिसी नहीं जनता के लिए बनती है, ऐसे नहीं नल कमीशन खाने के लिए नल लगाए हैं। अगर आपको पानी देना, अगर आप पानी देना चाहते थे तो आपको पहले स्रोत पर काम करना चाहिए था। करोड़ रुपया क्यों हर घर योजना को दिए थे? फिर आप गूगल सर्च कीजिए जो आपका 2020 का, अरे यार आप क्या बात करो, आप गूगल सर्च कीजिए आपका बजट कितना था 2020-21 का। अरे तो आप बात कीजिए ना, आप देखिए लिए क्यों फर्जी बात, आप बताइए ना, मैं गूगल सर्च कीजिए आप, आपके पास गूगल। चलिए सर अभी होगी, आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड की जो भोली भाली सीधी साधी जनता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने, उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य का निर्माण करा, खून की होली खेली, राज्य बनाया यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के गरीब को खुश करने के लिए। बस मेरे आम आदमी पार्टी यह सवाल है कि जो
प्रति महीने 5,000 देने की वादा कर रही है उत्तराखंड में। मतलब हम दो युवाओं के लिए, हाँ युवाओं के लिए, हम दो भाई हैं युवा, मेरा भाई भी, मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ अभी यहाँ पीजी कॉलेज से, तो ये 10,000 हम दोनों भाई को मंथली देंगे। अच्छा। तो कितना हो रहा हो, मतलब ऐसे में उत्तराखंड को तो बेच ही देंगे, मतलब पूरा। सर ये युवा चाहते हैं कि उनको, वो युवाओं का कहने का मतलब ये है, उसका कहने का मतलब ये है कि आप फ्री की नीति दे रहे हैं, फ्री के पैसे दे रहे हैं, उसकी जरूरत हमें नहीं है, हमें रोजगार चाहिए। मैं आपको बताऊं, हमने बिजली बिल गारंटी योजना चलाई, उसमें हमने कहा कि हर घर को हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पुराने बिल माफ करेंगे। आप एक चीज बताइए, अगर आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी है, पूरे उत्तराखंड में 82 या 83 पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें से अकेले चमोली डिस्ट्रिक्ट में 11 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और उन 11 पावर प्रोजेक्टों में आप देखिए वर्ल्ड बैंक की स्कीम देखिए कि उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार और उनको 2.5 उसकी जो मार्जिन मनी मिलेगी वो उत्तराखंड के लोगों को दी जाएगी। अब आप कहते हो कि अभी 5,000 की जो आप बात करते हो, हम ये कह रहे हैं, आप देखिए आज भ्रष्टाचार देखिए, आप कहते हो एक जिला पंचायत एक विधायक, हर गांव में आज विधायक निधि बंट रही है, और उन विधायक निधियों में अगर एक प्रतीक्षालय बनाया जाता है, विधायक जी उसको 3,00,000 का बताते हैं, और उसका जो धरातल पे काम होता है वो 60,000 में होता है। एक बार जनता से पूछ लेते हैं, उन्हें फ्री बिजली या उनको रोजगार की जरूरत है, आपको बिजली और बिजली फ्री चाहिए? भैया हमारे उत्तराखंड में बिजली बहुत उत्पात होती है, हमको कुछ फ्री नहीं चाहिए। एक बेलाजुला देश है जहाँ पेट्रोल बहुत ज्यादा होता था, उसने अपने समय पर इतना पेट्रोल बांटा कि आज उस देश की स्थिति इतनी खराब है, इतना पेट्रोल होने के बावजूद भी इतना गरीब है, फ्री में उसने सरकारी नौकरियां लगाई, इतनी अपेक्षित से ज्यादा नौकरियां। तो फ्री नहीं चाहिए आपको? आपको फ्री चाहिए? सर मुझे तो नहीं चाहिए। आपको फ्री चाहिए? आपको तो फ्री चाहिए नहीं, हमें तो नहीं चाहिए। मेरा क्वेश्चन है, कोई फ्री चाहिए? नहीं, फ्री नहीं चाहिए। रोजगार के लिए 5,000 रुपए वो भी नहीं चाहिए हमें? आपको, आप तो युवा लग रहे हैं। हमको विकास चाहिए बस। क्या चाहिए? फ्री बिजली। किसने कहा फ्री बिजली चाहिए? आम आदमी पार्टी कह रही फ्री देना चाहिए। जनता बोल रही है वही हम पूछ रहे हैं, सर कि जनता चाहती है किसी के लिए फ्री, तो भिखारी मांगता है कोई, जनता भिखारी तो नहीं है। सर फ्री बिजली नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं हमें काम चाहिए। काम चाहिए, हमने वही कहा, हम ये कह रहे हैं कि जो 83 एक मिनट, जब 83 पावर प्रोजेक्ट आपके उत्तराखंड में चल रहे हैं, 11 पावर प्रोजेक्ट आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, जल जमीन हमारी गई, तो क्या आपने कभी भारत सरकार के गृह मंत्रालय, एक मिनट जवाब, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से या ऊर्जा मंत्रालय से पूछने की बात की? अभी आपने देखा होगा TSDC द्वारा जो CSN में पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वहीं पे आपके TSDC ने गांव उजाड़ दिए। आप कहने को तो बहुत, वहां पे जो प्रधान BJP के हैं, जो ज्येष्ठ प्रमुख वो BJP के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा वो घर रातों रात उखाड़ दिया गया है। तो आप ये बताइए, अगर ऐसी जनता के साथ अगर केंद्र सरकार ये करती है, और जो पावर प्रोजेक्ट है उसमें तो आप भी देख लीजिए, बायलॉज निकालिए, उसमें कितना स्थानीय लोगों के लिए बिजली फ्री की वो दी गई है। और जहां तक रोजगार की बात है, मैं वही आपको बताना चाह रहा था, जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी कह रही है, आप जिस दिन आप पैदा होते हैं जब तक आप मरते नहीं है, आप हमेशा टैक्स देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक क्षेत्र में बोलना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर उपलब्ध नहीं। आप देख रहे होंगे ये भी हमारा डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे जो मेन जो सब्जेक्ट है उसके टीचर नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे इंटर कॉलेज है, लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं है, जैसे मैथ के टीचर नहीं, हिंदी के टीचर नहीं है, या साइंस के टीचर नहीं है, तो यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? ये सुविधा बिल्कुल, आज उत्तराखंड को इतने साल हो गए हैं लेकिन स्कूलों में टीचर, सर टीचर उपलब्ध बहुत जरूरी है, टीचर उपलब्ध नहीं है, स्कूल में नहीं है, कॉलेज में। PG कॉलेज गोपीसर की जो आप स्थिति बोल रहे हैं, PG कॉलेज गोपीसर में स्टाफ पूरा है। आप आज आप पत्रकार हैं, आप कल सुबह चेक कर लीजिए और जो जहां पर पूरा नहीं थे वो गेस्ट टीचर के तहत उनको वहां पर नियुक्त किया गया है। जो सरकारी स्कूल बंद पड़ी है उसका जवाब दे कौन है? जो सरकारी स्कूल बंद पड़ी है उसका जवाब दे कौन है? जो युवा बेरोजगार बैठा है वो आज नशा और आत्महत्या करने की बात कर रहा है, वो क्यों बैठा है?
जो आने वाला फ्यूचर है। क्यों पढ़ी, क्यों पढ़ी है? देखिए कुछ स्कूल है की स्थिति ऐसी है जहाँ पर 10-10 बच्चे हैं। ये उन लोगों की गलती है जिन लोगों ने एक गांव के बगल में दूसरा इंटर कॉलेज की बात करी है, और जब वहाँ 10 बच्चे हुए 8 बच्चे हुए 5 बच्चे हुए तो स्कूल वो बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सरकार ने एक पॉलिसी निकाली है, आदर्श विद्यालय खोलेंगे, और जो जिस विद्यालय में बच्चे कम है, 10 बच्चे हैं 15 बच्चे हैं, उनके लिए बसेस की व्यवस्था करेंगे और एक स्कूल में कंप्लीट स्टाफ देने की बात करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की फ्री का कुछ नहीं चाहिए, उत्तराखंड को चाहिए रोजगार, चाहिए उत्तराखंड के व्यापारी का व्यापार चलना चाहिए, उत्तराखंड को भू कानून चाहिए, उत्तराखंड को मूल निवास चाहिए, उत्तराखंड को राजधानी गैरसैंण चाहिए। ये एक राजधानी गैरसैंण, एक राजधानी देहरादून नहीं चलेगी। सर बताइए इस पर तो जवाब बनता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। एक राज्य दो राजधानी, इतना टैक्स का पैसा कौन भर रहा है? सर जवाब। अरे तो अरे मेरी बात तो सुन लो, आपने कह दिया ना। देखिए आज से पहले कांग्रेस सरकार में तंबू में सरकार चलती थी, हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। आज वहाँ सेटअप है, आज वहाँ सेटअप है, आज विधानसभा है, आज वहाँ पर विधायकों का हॉस्टल है मंत्रियों के रहने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और ये सर ये निर्माण कार्य की बात हो रही है, ये काम कांग्रेस कह रही है हमने किया, आप कह रहे हैं हमने किया। वो भवन बनाया किसने? अरे अगर विधानसभा भी नहीं बनाते तो सरकार में भी क्यों थे? नहीं इतने भी सरकार में अगर तंबू में चलाना था तो सरकार में क्यों आए थे? जो वहाँ पे गैरसैंण में स्ट्रक्चर खड़ा किया वो कांग्रेस सरकार ने बनाया, जो वहाँ पे हॉस्टल बन रहे विधायकों के मंत्री को सारे। सर मेरा ही सवाल है आपसे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी, शीतकालीन राजधानी बना दी, उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कहाँ है? देखिए स्थायी राजधानी पर अभी स्पष्ट तौर पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे। कब तक कहेंगे सर? देखिए सुन लीजिए। अरे भैया पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, और 56 विधायकों की सरकार, हमारी पुष्कर धामी जी बैठी है, और हमारे पौड़ी से आते हैं अजय बिश जी, जो आज आदित्य हमारे योगी नाची हैं, वो भी उत्तराखंड जाते हैं, तो वो वहाँ बैठे हैं जहाँ भी आज 26 कब्जे उत्तराखंड के वहाँ दबे हुए हैं, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। जो उत्तराखंड की राजधानी है, जो हक है, रोजगार है, जो हमारा पानी है, हमारा जंगल है, हमारा जमीन है, उसके हक की वो फाइल क्यों नहीं आ रही? तो मैं बता रहा हूँ कि ट्रिपल इंजन की जो सरकार है ना, ये केवल जुमलेबाज है, लॉलीपॉप है, और उत्तराखंड की जनता को चूस रही है, भ्रमित कर रही है, वोट मांग रही है, सत्ता पा रही है और राज कर रही है, बस राज कर रही है। सर कोई सवाल आपका? कोई सवाल मैं इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। ये शिक्षा की ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूर्ववर्ती सरकार ने पॉलिटेक्निक में 3 नई ब्रांचेस खोलने का काम किया, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इनकी सरकार आती है, ये इसको यहाँ से मैकेनिकल को गौचर, इलेक्ट्रिकल को श्रीनगर, और सिविल इंजीनियरिंग को ये नरेंद्र नगर में शिफ्ट करते हैं। रही बात पीजी कॉलेज गोपेश्वर की, अभी यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट में 2 टीचरों का ट्रांसफर यहाँ से हो चुका है, और बॉटनी में हो चुका है। और ये बात करते हैं शिक्षा की, इंजीनियरिंग कॉलेज नीचे भी स्थापित है वहाँ की पूर्ववर्ती सरकार के बाद, इन्होंने क्या किया इनसे जरा पूछती हूँ। वहाँ पे कितना सर शिक्षा की व्यवस्था पूरी नहीं, टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। आप कह रहे हैं हमने सड़कें बनाई, वो कह रहे हैं सड़कें नहीं पहुंची हैं, कि 2 टीचर का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, मैंने को पता है, ठीक है। आप देखिए, ये अपने आप कह रहे हैं कि 2 टीचर नहीं ट्रांसफर हुआ है, और इनके शासनकाल में या कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ पर क्या स्थिति थी, ये पहली बात जानते हैं। मैं यही कराने वाला हूँ, मैं गोपेश्वर कराने वाला। दूसरा, जब थे तो ट्रांसफर हुए हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ आज भी, डॉक्टर थे तब ट्रांसफर हुए, स्टाफ था तब ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर तो हो गए, वापस कब आएंगे? ऐसा है, देखो भाई साहब, हमने आज तक वो वहां पर थे। ये ट्रांसफर तो एक पॉलिसी है, ट्रांसफर होना है। दूसरा, आप मानिए ट्रांसफर पॉलिसी है, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी सीट छोड़ेगा तो सीट पर कोई बैठने वाला होना चाहिए। आएगा, कब आएगा? अब आएगा, तुरंत आएगा। ऐसे 2-3-4 दिन हो रहे हैं ट्रांसफर हुए। आप क्या चाहते हैं हमसे, क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं? जनता क्या चाहती है वो जनता बताएगी। सर जनता चाहती है कि कितने दिन में अस्पताल में डॉक्टर आएंगे। ये कह रहे हैं कि हम 3 दिन के भीतर, तो इतने लोगों के सब, आप बताइए कि 3 दिन के भीतर हम डॉक्टर ले आएंगे, आप बता दीजिए। भैया ऐसा है, मैंने कहा अभी सारे डॉक्टर रिलीव नहीं हुए हैं, ये आपको भी जानकारी है, हमको भी जानकारी है, कुछ डॉक्टर्स को रोकने की बात भी हो रही है। अब उसके बाद क्या स्थिति बनती है उसके बाद हम उसको क्लियर करेंगे। माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ये बात है, धन सिंह जी के संज्ञान में, मैं पर्सनली उनको मिल गया हूँ, मैं कल ही देहरादून से आया हूँ, मैं पर्सनली मिल गया हूँ, और ये बात हमने करी है उनसे। तो जब हम ये कह रहे हैं भाई हमने किया है ना, तो फिर मानना पड़ेगा, भाई लाए हैं ना डॉक्टर, तभी तो मानना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार में भारतीय जो हमारा ये अभी जो सरकार बैठी है, और जो हमारा
बेस अस्पताल हमारा ये जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे युवा साथी ब्लड डोनेट करते हैं ना भाई साहब, जब ब्लड डोनेट करते हैं, जब ब्लड दान करते हैं, तो उनको फ्रूट्स के बजाय, ड्राई फ्रूट्स के बजाय, जूस के बजाय पता क्या मिलता है, 10 रुपए की फ्रूट ही मिलती है। और जबकि रक्तदान महादान है, तो इसमें जो मैं बता रहा हूँ कि कोविड काल में एक डंपर वो क्या होता है। चलिए सर चलिए, समय कम है, एक आखिरी आपसे सवाल ले रहा हूँ। आपको सत्ता मिलती है तो किस तरीके से बद्रीनाथ विधानसभा का भला करेंगे, क्या आपकी योजना है? हमारी योजना है घर घर विकास होगा, रोजगार की बात होगी, देवस्थान बोर्ड भंग होगा, भूकंप पे बात होगी, रोजगारों की बात होगी, उत्तराखंड के हमारे जो बद्रीनाथ विधानसभा के निवासी हैं इनके विकास की बात होगी, हक की बात होगी। ठीक है सर, आपकी आप तो सत्ताधारी हैं, फिर से मौका मिलता है तो क्या वापस आएंगे? डॉक्टर 45 पूरे होंगे, शिक्षक पूरे होंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पूरे हुए, जितने भी आए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए, आगे भी पूरे आएंगे। जो स्टाफ की जो आप बात कर रहे हैं, जो आप टीचर्स की बात कर रहे हैं, वो टीचर्स विकास क्या, किस तरीके से विकास होगा? हमारे टीचर्स हमारे अवेलेबल हैं, और जहां पर नहीं है उनको लाने का काम हम कर रहे हैं। और जहां तक विकास की आप बात कर रहे हैं, आज जो रोड़ों का जाल बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर बिछा हुआ है, इससे ज्यादा बेहतर करने का काम करेंगे। आज NH ऋषिकेश से और बद्रीनाथ तक बन चुका है, उस पर काम हो रहा है, तो हम इस तरीके काम आगे करते रहेंगे। और हम अरे आप घोटाले साबित कर दो ना मैम, आप बताइए आपके आप किस तरीके से विकास करेंगे, आपको मौका मिलता है तो? सबसे पहले तो हम रोजगार पे काम करेंगे, दूसरी बात जो इतनी महंगाई देश में है, राज्य में, उसको कम करने का काम करेंगे, और जो हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट है इसका सर्वांगीण विकास करने का हम काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, सड़कों के क्षेत्र में काम करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ेंगे, आप लोग सत्ता मिलती है तो किस तरीके से जवाब देंगे सभी राजनीतिक दलों को? पहले तो मुझे बड़ा अफसोस और बड़ा मजेदार जोक सो रहा, मैं बीजेपी किसको मानू और किसको कांग्रेस मानू, 11 आपके इधर कल वो उधर। और जो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है, वो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड होगा। और जो आपकी ये कमीशन खोरी, जो आपकी ऑफशोरशाही, जो आपकी ये सारी खत्म की जाएगी, और ईमानदारी से आपके यहाँ उत्तराखंड में अपनी सत्ता चलाएगी, जिससे आप उत्तराखंड का विकास आम आदमी पार्टी करेगी। तो सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम अपना विकास भी करेंगे और जनता का विकास भी करेंगे, लेकिन कब तक जनता का विकास होगा ये अभी साफ नहीं है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि 2022 में कौन सा राजनीतिक दल विधानसभा बद्रीनाथ पर अपना झंडा गाड़ पाता है। इसके साथ ही एक बड़ी चीज ये कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं, जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, वो कौन सी पार्टी सुधारती है, और कौन जनता किस पार्टी पर भरोसा करता है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। अब देखना होगा कि 2022 में किसकी सत्ता आती है, कौन विकास करता है, और किसका जवाब जनता बेहतर तरीके से देती है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। किस्सा कुर्सी का, और मैं हूँ आपके साथ सुभाष कौड़। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के चमोली जनपद के बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर।